ज़बिल्ल शैतवान वजीम बसमैम नाजरन पी टी वी से माहिरब्ल की खसूसी नशरियात रहमतमीन के साथ आपका मेज़बान अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है इस प्रोग्राम में हम सरकार वसम की सीरत के हवाले से गुफू करते हैं मुख्तलिफ गोशों पर गुफतु करते हैं ख़ास मौजू होता है और रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं हमारे साथ वतन अजीज़ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ इसकॉलर्स और कराम साथ में गुल्ह अकीदत भी पेश किया जाता है और यही नहीं बल्कि नौजवान मुक्रीन आपके सामने हमारे सामने अपने फ़न तकरीर और फ़न खिताबत के जौर भी दिखाते हैं मतलब नाजी आज का हमारा जो मौजू है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसम के सहाब कराम अलैहि तजमाइन जैसे कि हमने किताबों में पढ़ाए कराम से सुना कि अम्बिया कराम के साथ जो उनके रफक़ा थे उनकी भी बड़ी अजमत व शान थी बिलखसूस जब सरकार अलैहि वल्म के साहबा की बात होती है उनके रफ़ा की बात होती है तो उनकी सीरत पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन एक अनोखी बात यह है कि आप सल्ला के साहबा कराम ने जान देने का भी आपस में मुकाबला था माल कुर्बान करने का भी मुकाबला था यानी हज़र पनूर सल्ला वसलम के साहबा कराम तपते हुए सहरा में तपती हुई रेत पर गर्मी की शिद्दत में जब उन्हें नीम बरना हालत में लिटाया जाता और कहा जाता कि मोहम्मद का साथ छोड़ दो तो वो छोड़ने पे तैयार नहीं होते थे ऐसे सहाबा कराम जो जानो माल कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते और जब पूछा जाता कि इतना माल कुर्बान कर दिया है घर के लिए कुछ छोड़ कर आए हो तो फरमाते घर के घर के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ ऐसे साहब कराम जिनके कुर्बानियों से तारीख़ इस्लाम भरी पड़ी है और इसीलिए सरकारी सल्ला ने इशात फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद है इनमें से तुम जिसकी रहनुमाई में जाओगे जिससे रहनुमाई हासिल करोगे जिसके पीछे जो है वो लग कर अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करोगे रोशनी पाओगे हिदायत पाओगे और इसीलिए सरकार सल्ला वसलम ने अपने साहब कराम में से अक्सर के बारे में कहा कि तुम जन्नत में जाओगे अक्सर की फजीलत बयान की और फिर ऐसा हुआ कि सैदना सिद्दीक के अकबर जो सिर्फ़ अबू बकर थे वो सिद्दी के अकबर बन गए फिर फारूक आजम बने हजरत ओमर हज़रत स्स्मान गनी बन गए हज़रत अली शेर ख़ुदा बन गए और इसी तरह हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्ला का खिताब दिया हज़रत बिलल को मौदिन अवल का खिताब मिला अबू जर और सलमान फ़ारसी को भी रूज अता हुआ आज हम जब सबक्राम का तस्करा करेंगे तो यकीन हम और आप जहाँ सीरत मुस्तफ़ा से बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ साहब कराम की ज़िंदगी से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे मौजूद हैं हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ उमाया कराम तारु की तरफ चलते हैं मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के बहुत ही मोहतरम मुकरम हजरत लामा मुफ्ती मोहम्मद इस मदनी मुफ्ती साहब असल बहुत शिक्रिया आप तीफ़ इनके साथ मौजूद है नौजवान आम दिन बहुत ही मदल गुफ्तु फरमाते हैं मुफ्ती मदनी रज़ा साहब आपको भी अल्लम इनके साथ मौजूद हैं उस्ताद हैं प्रोफेसर है बहुत प्यारे गुफ्तु करते हैं इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम डॉक्टर सुल शफीक साहब आपको भी असल वाले वरहल और गुलाह अकीदत पेश करने के लिए वतन अजीज़ के सीनियर शनाखा जरा इर्शाद अंजुम कुरेशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं आपको भी आप अल्लाम आपका भी शुक्रिया चारों मौज़त मेमाना ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब कराम रिदवानल तजमी उनकी ज़ात पर सीरत पर उनकी जिंदगी और उनके हालात पर गुफगू करेंगे पुरजोश ज़िंदगी है अक्ल वत वाली ज़िंदगी हैमत व तदब्बर से भरी ज़िंदगी है कुर्बानियों से माला माल ज़िंदगी है साहबा कराम की मुफ्ती साहब ये बताइए कि ये सब कुछ तरबियत मुस्तफ़ा का असर था यकीनन। तो सरकार तोलीम ने अपने अहाब की किस तरह से और किन खतूत पर तरबियत फरमाई कि आप रिजवान तजमैन एक ऐसी ज़िंदगी गुजार के चले गए जो अब क़्यामत तक हम सब के लिए मिशर रहा होगी इस पर ज़रा कुछ रोशनी डाली

और सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम की दावत को कबूल करने के बाद हर तरह की कुरबानी के लिए अपने आप को तैयार भी किया और कुर्बानियों का फरीदा भी सर दिया और नबी मुकरम अली सात वसमाम का वो पैगाम कि जो कयामत तक रहने वाला है उस पैगाम को फिर इन्होंने आगे भी बढ़ाया और वह सिलसिला चाहे खिलाफत के अतबार से हो चाहे तदवीन कुरान के अतबार से हो सरत रसूल को जमा करने के अतबार से हो या हदीस मुबारका को जमा करने के अतबार से हो या नबी पाकली सात वाम के फ़राम को आगे बढ़ाने के अतबार से हो या कुफ़ार तक खतूत रवाना करने के अतबार से पहुँचाने के अतबार से हो तो आपको हर तरफ़ सबक राम अलिमान की मुकदस जमात अवलिन फहरिस के अंदर उम्मियों में नज़र आएगी और ये क्यों ना हो क्योंकि देखिए सहाबी का जो माना बयान फरमाया गया सहाबी का माना होता है साथी साहिब से है साहिब से मुराद मुसाहिब यानी साथ रहने वाला साथ चलने वाला तो जब साहबी की हम तारीफ़ करते हैं तो माना ये बनता है कि वो शख्स के जिसने नबी मुकरम वसलाम की ज़ाहरी हयात में हुजूर की सोहबत पाई हो या हुजूर को ईमान की हालत में देखा हो और उसी ईमान की हालत में उसका ख़ात्मा भी हुआ हो यानी हुजूर की जाहरी हयात ईमान का होना भले एक लम्हे के लिए आ, सोहबत का शर्फ हासिल होना या ज्यादा से मुशरफ होना ये, होना, ये तमाम चीजें जरूरी हैं एक सहाबी की तारीफ को जामे और माने बयान करने के लिए सही। अब कि नबी मुकरम अली सात वसलम की गिरामी वो है कि जब उदू सल तसलम ने नबूत फरमाया है तो सबसे पहले तरबियत का लमह तो बाद में है पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं क्या हूँ यानी मैं क्या हूँ मेरी बात मानो क्यों माने हम आपकी बात इसलिए इस वो भी यूं कहते हैं कि आप सादिफ भी हैं और अमीन भी हैं, सदाक और दारी है सदाकत में मौजूद है इसलिए रहमत आलम सही वसलम के जब हुक्त तबली फरमाने का हजूर जब कोई सफ़ा पे तशीफ लेंगे तो पहली बात तो तुमने क्या बयान फरमी अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम्हें हमला करना चाहता है मेरी बात मानोगे मानोगे? नहीं मानोंगे। सबने क्या मुकरम या ला हु। ए लोगो, की इबादत करो वाहरी की इबादत करो ताकि तुम फला पा जाओ तो पहले हदूर ने अपना करेक्टर सामने रखा लोगों के और उसके बाद फिर

कुछ वो अफरादें कि जिन्होंने बाद में यानी जब मदीन मनोवरा मेरे अकाली साहब तशीफ लेके वहाँ उन्होंने ईमान कबूल किया तो कुरान पाक ने उनको फिर अलमहाजरीन और अनसार के नाम से ताबीर किया महाजरीन वो जो दाएँ बाएँ से निकल के वहाँ पहुँच गए अनसार वो जो मदीने में रहने वाले हैं तीसरा टाइटल साहब कराम अली हिमरिदवान को वो दिया गया कि वो लोग के जो फतेह मक् से कबल ईमान कबूल करने वाले हैं और दूसरा तबका जो फते के बाद ईमान कबूल करने वाला है फरमा युनाफ़ा में कबिल फतह वक़ात जरों सवाब के अहतबार से यानी सहाबियत के लफ्स के अहतबार से यह सब बराबर हो गए सबी होने के अहतबार से लेकिन फरमाया कि अजर जहाँ पे मामला आ जाएगा जिन्होंने तेईस साल कबल बाईस साल कबल इक्कीस साल कबल इस्लाम कबूल किया उनका फी सबीर या उनका जिहाद करना उनका हिजरत करना वो एक अलग मामला है और आज जो सहाबा ईमान के साथ हुदूर के साथ मौजूद है फतेह मक्का के बाद इनका ईमान का मामला अलग तो है तो कुरान ने इन सब के दर्जे बयान फरमाए लेकिन वो सहाबी जिसने हजूर की पहली दावत पर इस्लाम कबूल किया जनबी मुकरम सात व्यायात ज़ाहरी के आखिरी लम्हे में इस्लाम कबूल किया

ला तसुब वी मेरे सहाबा के बारे में कोई बुरी बात नाजिबा बात कभी ना कहो क्योंकि तुम्हारा उनका फर्क ये है कि तुम अगर बहुत पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात करो और मेरा सहाबी मुठी भर जाओ मुझे अलफाज हदीस में वो खैरात कर दे जो अजर मेरे सहाबी को मिलेगा वो उसे नहीं मिलेगा वजह क्या है सहाबी अमल से इबादत से नहीं बनता प्यारे मुस्तफ़ा की ज्यारत से बनता क्या बात है अल्लाह अच्छा साहब ये बताइए कि मर्द साहब कराम के साथ साथ गुलाम बच्चे बूढ़े और औरत सबियात ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है इस पर जरा रोशनी डाली बसमिल्लर रही यकीन नबी करीम अलातुसम के जितने भी अब हैं उनमें से हर एक जो है वो सरकार अली की सलातु असलम पर अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार रहा चाहे फिर गुलाम हो चाहे उसमें फिर ग़ुलाम हो चाहे उसमें फिर ख़ुत हों चाहे उसमें बूढ़े हों चाहे कोई और तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो अगर हम देखें कि खातिन ने किस अंदाज़ से सरकारें दो जहाँ सल्हसमा पर अपनी जान माल तन मन धन को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ी हैं तो इसमें एक रिवायत आती है कि सरकार अली की ने एक मरतबा सदक़ात की तरगीब दी तो वो सहाबियात जो मौजूद थी उन्होंने उसी वक्त लम्हा भर भी देर नहीं लगाई अपने पास जो जेवर पहने हुए थे वो सब के सब उतार कर सरकार अली इस्लाम की बारगाह में बतौर सदका पेश कर दिए अच्छा अब आप यहाँ पर ज़रा गौर करें कि एक औरत के लिए जेवर उसकी जान से बढ़कर होता है तौर हाँ। पर अगर उसके मैके से उसको मिलाओ लेकिन यहाँ पे सहाबियत का जज्बा ये था कि वो सरकार सलाम पर अपनी माल को अपने जेवर को फौरी तौर पर जो वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि सरकार अलातुस्म ने जब यह तरगीब दी तो जज्बा था कि हमें सरकार का हुक्म मानना है इसी तरीके से एक और रिवायत में मिलता है कि सहाबियात के अंदर इबादत का भी बड़ा जज्बा था बाज़ सहाबियाियात जो वो सरकार इस्लाम की बारगाह में हाजिर हुए अर्ज करने लगी कि हुजूर ये जो मर्द हैं ये तो जंगों में जाकर शिरकत करके वहाँ पे जिहाद करके अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करके बहुत अजर हासिल कर लेते हैं लेकिन हम औरतें हैं हम जंगों में शिरकत नहीं कर सकती तो हमें भी बताइए कि वो कौन वो अजर हम कैसे हासिल कर सकते हैं अब आप यहाँ पे जो सवाल था ना कि जंग के अंदर जाने की इजाज़त गोया तलब कर रही है या वो अजर तलब कर रही हैं तो पीछे उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी इसीलिए वो ये सोच लेकर गई थी कि अगर हमें हमारे नबी ने हुक्म दिया कि जाकर जंग करनी है तो हम जंग के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन सरकार अली ने फरमाया कि अगर तुम अपने घरों में रहो और अपने शोहरों की खिदमत करो तो इसमें तुम्हारे लिए ऐसे ही अजर है जैसे जंग में शिरकत का। क्या बात तो यहाँ पे आप सहाबियात का जज्बा देखें इसी तरीके से एक और साहबिया हैं जिनका हमें अहद के हवाले से एक वाक मिलता है बतौर खास और उससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि सहाबियात के अंदर जज्बा कैसा था शहीद कर दिया गया खबर पहुंची घबरा गई सलात को कैसे कुफार नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो सरकार सलात की तलाश में जो है वो मैदान में पहुंची तो किसी ने इतला दी कि आपके बेटे को शहीद कर दिया गया कहा कि ठीक है बेटा शहीद हो गया ये बताएं कि मेरे आका कैसे हैं? वाह फिर थोड़ा आगे गई तो किसी ने बताया कि जो ना वो आपके शोहर को शहीद कर दिया गया तो उन्होंने कहा ठीक है लेकिन ये बताएं मेरे आका कैसे हैं फिर जब सरकार अली सलात को देखा तो तो अर्ज करने लगी कि यार आप पर मेरी तमाम मुश्किल हैज हैं यानी अब आप जरा गौर करें कि बेटा कुर्बान हुआ बेट, शोहर कुर्बान हुआ इसकी परवाह नहीं है सरकार अली ही सलातम को कोई तकलीफ ना पहुंची हो इसका जज्बा मौजूद है तो ये सहाबियात का जज्बा हमें नजर आता है बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में भी बाज़ ऐसे साहबा होते थे कि जो सरकार अली ही सलातुस्म के साथ जंग में शिरकत के लिए कोशिश किया करते थे अच्छा मैदान बदर में हम देखते हैं कि मैदान बदर का जब मौका था तो कुछ ऐसे सहाबा के जो अंडर एज थे यानी जिनको जंग में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा रही थी तो वो सहाबा भी जो है वो मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए थे और वहाँ पर गज़द का गालिबन यह जिक्र है कि वो भी मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए थे अच्छा तो वहां पर कुछ साहबा जिनकी उम्र छोटी थी तो वो अपने आप को पैरों से ऊपर करने की कोशिश करते थे अंगूठे पे खड़े बड़ा पर, नजर कि हम बड़े नजर आए और सरकार अली इस्लाम जो है वो शायद हमें साथ लेकर जाए अच्छा, दो का जिक्र मिलता है वो दो बच, अभी छोटे <coughs> थे अंडर एज थे तो उसमें एक जो है वो सरकार अली सलातू अस्लम के साथ रवाना हो रहे थे जंग में तो दूसरे ने कहा कि हुजूर मुझे भी लेकर जाएं जाए तो सरकार अली सलातू अस्लम ने फरमाया कि तुम्हारी एज अभी कम है तो उन्होंने सामने से सरकार की बारगा में अर्ज की कि जिनको आप लेके जा रहे हैं ना मैं उनको भी पछाड़ सकता हूँ अच्छा तो उन्होंने जो है वो आपस में फिर वो सरकार अली इस्लाम ने दोनों के दरमियान कुश्ती करवाई तो जो जिनको सरकार अली इस्लाम लेके जा रहे थे ये वाले जो दूसरे साहबी थे उन्होंने पछाड़ दिया तो फिर सरकार इस्लाम दोनों को साथ लेके गए इसी तरीके से हमें मिलता है गजर के मौके पर हजरत मुआज और हजरत मुआवज का वाक्य ये भी बहुत छोटे थे सही। सरकार की बारगाह में अर्ज करके जंग में उन्होंने शिरकत की और फिर जंग में पहुंचने के बाद उन्होंने सरकार इस्लाम से अर्ज की कि हजूर हम इस जंग में शिरकत करना चाहते हैं और हमने वहां पर जाकर जो अपनी बहादुरी दिखानी है अब जब वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे लोगों से पूछना शुरू करते हैं कि ये अबू जहल कौन है कि जिसने हमारे सरकार अली इस्लाम की शान में गुस्ताखी की तो किसी ने बताया कि ये अबू जहल है अच्छा सामने वो शख्स जा रहा है अच्छा ये अबू जहल अपने तबके के एतबार से बहुत माहिर था बड़ा बहादुर था और जंग के अंदर उसकी बड़ी महारत थी लेकिन ये जो दो बच्चे थे माज और मुआवज़ इन्होंने जब देखा कि ये अबू जहल सामने जा रहा है तो फौरी तौर पर जो है वो अबू जहल की तरफ लपके और उसके ऊपर ऐसा वार किया कि अबू जहल जो अपने कबीले का सरदार था उसको ढेर कर दिया अब आप यहाँ पर देखें कि ये बचपन के अंदर उनके अंदर ऐसा जज्बा है शौक शहादत का मदीने में सरकार सलातूलाम अगर जिहाद पर रवाना हो रहे हैं तो उस जिहाद में शिरकत का ये इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि सरकार सलातूसलाम का हर साहबी चाहे वो बचपने के मौके पर हो चाहे वो सरकार सलातम की जो सहाबियात हैं उसमें शामिल हों हर एक जो है वो ये जज्बा रखता था कि हम अपनी जान जो है वो सरकार इस्लाम पर निछावर करें यहाँ पर मैं एक और चीज जिक्र करूंगा कि ये जो सरकार सलात के जितने साहबा हैं ना ये नौजवान साहब हैं अगर हम अहद के अंदर देखें तो अहद में भी अभी वो उम्र के जिस उम्र के अंदर उमूमी तौर पर नौजवानों को ये एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जवानी को थोड़ा सा आजादी और फिक्र के साथ इंजॉय करते हुए गुजारें वो सहाबा जब अहद का मौका आता है तो सरकार अली सलात से अपने जज्बे का इजहार करते हैं कि हमें शहर के बाहर जाकर जो वो जिहाद करना है हो सही, सकते सही। थे सही। तो लेकिन उनके अंदर जज्बा ये था कि हमने बदर में शिरकत हाँ। नहीं की है अब हम ये चाहते हैं कि हम शहर के बाहर जाए और कुफार को जो है वो धूल चटाएं वो एक अलग बात है कि मशियत इलाही के मुताबिक जो मामला इन साहबा का जज्बा अगर देखा जाए तो ये साहबा तैयार थे आखिर में अगर आप मुझे एक और साहबी की इजाज़त दें तो मैं उनका जिक्र करू कि हज़रत हंजला रदी अल्लाह तुम ये वो साहबी हैं कि जिनका अभी निकाह हुआ है ठीक है और अभी निकाह हुआ ही है हाँ। ये अपने घर में आई ही है कि जंग का ऐलान हो गया जब जंग का ऐलान होता है तो ये फौरी तौर पर जो है वो अपने मामला से फारिग होकर सरकार के साथ जंग में शिरकत करते हैं और उस जंग में शहीद हो जाते हैं तो जब शहादत के बाद उनके लाशे को तलाश किया जाता है तो वो वक्ती तौर पर मिलता नहीं है हाँ। बाद में उनके लाशे को देखा जाता है गसल की तैयारी की जाती है तो सरकार अली इस्लाम फरमाते हैं कि इनके गसल को छोड़ दो इनको तो गसल को मलाइका ने दिया है इसीलिए हजरत हंजाला को गसी मलाइका कहा जाता बात? है तो जितने भी साहब हैं आप उनको देख रहे हैं कि वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो किसी भी सिंह से ताल्लुक रखते हो सरकार अली पर अपनी जान निशावर करने के लिए तैयार रहता है बहुत खूब बहुत खूब अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए के सरकार दोम ने अपने सहाबा के बारे में ये इशाद फरमाया कि ये कुफ़ार के मुकाबले में तो सख्त हैं लेकिन आपस में बहुत ही मेहरबान हैं और जैसे किबाल ने भी कहा हो हल्का यारा तो ब रेशम की तरह नर्म रजम बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो ऐसा लगता है सहबा कराम पर ही यकीन गालिब आती है या उसी पर यह मिसा या शेर लिखा गया है ये किस तरह हो सकता है कि आपस में मोहब्बत और नरमी और आजीन के हो लेकिन जब काफिर सामने आए तो शख्सियत यकसर बदल जाए और वहाँ सख्त हो जाए फौलाद की तरह बसमीम बहुत अहम सवाल आपने इस हवाले से फ़रमाया कि सब करामवान के, कराम के जिन्हें ये शर्फ़ हासिल है कि अल्लाह तबारक ताली ने उनके लिए फ़रमाया किल्ल्अ वरदुअ कि वो हैं कि जिनसे अल्लाह ताली राज़ी हुआ और वो अल्लाह ताली से राजी हुए ये साहब कराम अलिमरिदान की अहम तरीन खूसियत है जिसको कुरान करीम में बयान किया गया कि रोहमा उबई न हूँ आपस में एक दूसरे के लिए रहम करने वाले सही और कुफ़ार पर श्दत करने वाले तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ साहब कराम अलि रद्ववान का ताल्लुक है कि ये वो लोग हैं कि जो जब इन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल किया तो अरब का पूरा माशरा उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ आ, तपती हुई रेत पर भी खींचा गया गले में रस्सी डालकर भी खींचा गया हर तरह से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की गई यहाँ तक कि मजबूर कर दिया गया कि ये अपने वतन को छोड़ दें तो साहब करामवान ने हबशा की जानब भी हिजरत की और फिर उसके बाद मदीना मनवरा की जानब भी हिजरत की तो कुरान ने जो पैगाम दिया है कि इन नमिन मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो उसकी जो अमली मिसाल है वो हमें साहब में आती है। हाँ। रूमी भी हैं है, है, सरदारीज है पर मुकदम है साहबा कराम अली मुरान की जो एक खास बात है वो ये है कि उन्हें ज़ात रत वसलम से तो आ, हद दर्ज मोहब्बत के लम्हे बर को करार नहीं आता था कि आपकी ज्यारत ना हो लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ अहम है वो पैगाम रसारत माफ सल के साथ उनका ताल्लुक है कि जो तलीमत नबीम सल्लासम की है उसे जिस तरह से उन्होंने हिरज जहाँ बनाया जब कुरान ने कह दिया कि इन निनों ने नखबा तो फिर उन्होंने हर चीज़ पर इस तल्लु को तरजीह दी गजवा बद्र में आप देख लीजिए एक जानब हज़रत अबू का सद्दीक हैं दूसरी जानब उनके बेटे हैं मार का ख़त्म होता है तो बेटे उनसे ये अर्ज़ करते हैं कि एक मौका ऐसा था कि मेरी तलवार आपकी गर्दन पर थी लेकिन मैंने तलवार नहीं चलाई Allah. कि आप मेरे वालद हैं सिद्दी के अकबर रदीला उन्होंने जवाब देते हैं कि अगर मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर होती तो मैं उसे हरगज़ ना रो अल्ला तो ये जो ताल्लुक ईमान का है इसने उनके दरमियान ऐसी मोहब्बत ऐसा इतफाक़ पैदा कर दिया कि फिर वो दुश्मनों के लिए सीसा पलाई हुई दीवार थे और आपस में इंतहाई रहम दें और फिर ये, ये तरबियत मुस्तफ़ी थी या मोहब्बत मुस्तफ़ी थी कि खून के, के रिश्ते से ज़्यादा अहम सरकार सल्ला वसलम की गुलामी का रिश्ता बन गया सबसे बढ़कर जो है क्योंकि ताल्लुक़ और बुनियाद जो है वो ईमान हाँ। और नबी तीन सल वसम की मोहब्बत है फिर आप जिस तरह तरबियत फरमाते हैं अपने साहबा की कि सफ़र में जाते हैं सवारियाँ कम हैं तो आप उनके साथ बारी मुकर करते हैं मस्जिद नब्वी की तमीर का मौका आता है तो आप उनके साथ मिलकर जो है उसकी तामीर करते हैं गजबा खंदक के मौके पर खंदक खोदने की बारी आती है तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ख़ुद बजाते खुद उसमें हिस्सा लेते हैं तो हर हर मरल मरहले पर जिस तरह अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत फरमाते हैं और साहब में से बहुत से वाक़ हैं एक बात का मैं जिक्र करता हूँ कि एक मौके पर नबी करीम सल्ला वसलम ने देखा कि मैसे नबी में दो सहाबा के दरमियान कुछ तल कलमी हो रही है अच्छा मालूम हुआ कि एक दूसरे का कर्जदार है और कर्ज का तकाज़ा हो रहा है लिहाजा आवाज़ बुलंद हो गई नबी करीम सल वसम ने दरिया किया कर्ज़दार से तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्ला वम मैंने कर्ज़ लिया है लेकिन मैं इस वापस करने की इस्तात नहीं रखता तो आपने हुक्म दिया कि तुम आधा कर्ज उसे अदा कर दो और जिस जो लेने वाला था जो देने वाला था उससे कहा कि तुम आधा कर्ज माफ़ कर दो सही तो अब नबी करीम सल्ला वसम की जो तलीम है जो आपके साथ ताल्लुक है उसी लम्हे उन सहाबी ने वो आधा कर्ज अदा किया और दूसरे जो, जो साहबी थे हज़रत बिन काब उन्होंने आधा कर्ज माफ कर दिया इसी तरह से आप देखिए हजरत सोबान रदी अला उन्होंने एक मौके पर नबी करीम वसल्लम ने उनसे फरमाया कि कभी किसी से सवाल ना करना अच्छा। उन्होंने ऐसा उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया कि अगर सवार होते चीज कोई गिर जाती तो किसी से सवाल नहीं करते Allah, उसे उठाने के लिए Allah. खुद सवारी से उठते उतरते और उसे उठा लेते बहुत। हजरत बहुत। अब्दुल्ला बिन उमर इतबा रसूल का इतना जज्बा था ऐसी तालीम थी कि एक मौके पर किसी एक किसी शख्स को छींक आई तो उसने कहा अलहमद ला वसलात अला रसूल वाह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैं भी यही कहता हूँ कि अलहमदिल्ला वसलात अला वस्स रसूल लेकिन अल्लाह के रसूल ने तालीम ये दी है कि जब छींक आए तो कहो अलहमदिल्ला ही अला को बहुत तो ये मामला जो है क्रामवान का सुबह माशा तो बहुत ही खूबसूरत मौजू है ईमान को ताज़ा कर देने वाला मौजू है कि साहब कराम का इश्क रसूल साहब कराम की आ, अमीर की इताद का जज्बा साहब कराम की इतबा रसूल का जज्बा इस पर मजीद गुफ्तू भी होगी लेकिन वक्त हुआ है बारगा रिसालत में गुल्ह अकीदत का मौजूद है हमारे साथ एरशाद अंजुम कुरेशी साहब सरकार तो आलम सल्ला वसम की बारगाह में गुल्ह अकीदत पेश करें जी

अपनी जबान देशा, देशा। से हम विषम हम हैं गुलाम के गुलामी पे नाज है पहचान see now

खुश आमदेद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आप देख रहे हैं पी टी वी से रबी अव्वल की खसूसी नशरियात रहमतुल्ल आलमीन और आज एक बार फिर वो सेगमेंट मेरे आपके सामने है जिसमें हमारे प्यारे प्यारे छोटे से नौजवान से मुकर्रन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने मखसूस अंदाज़ में फ़न खिताबत के जौहर दिखाते हैं हम उन्हें एक मिसरा देते हैं उस पर वो जो है वो गुफ्तगू करते हैं आज मुजफ्फ़र वारसी साहब के मशहूर कलाम का मिसरा है मंबर तेरा अरशे बरी और इसको मौजू ब बनाकर गुफ्तु करेंगे तीन बहुत ही प्यारे हमारे मुकर्रेन माहरूज जुफरान नबी हा नूर और मुरसली मलिक तो सबसे पहले तशीफ लाती हैं माहरोज़ ज़ुफ़रान आइए और फैसला करेंगे हमारे तीनों मज़सम कराम जो ज्यूरी भी हैं जी इल्हाम जामा है तेरा क़ुरआन इमामा है तेरा म्बर तेरा अरश बरी या रहमत आलमीन जनाब सदर हर इब्तदा से इंतहा तक अजल से अबद तक हर आगाज़ से अंजाम तक और फर्श से अर्श तक जो वजूद मुकम्मल है जो हर खामी से पाक है वो मेरा नबी है जिसके आने से कब दुनिया बेरोनक थी हर तरफ जहालत का अंधेरा था चांद तारे बेनूर थे कायनात पर एक खिजा छाई थी था सारा जहां जुलमत में डूबा हुआ बन के रहमत जो छाई घटा आप हैं वही ला मका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए वो नबी हैं जिसके हैं मका वो खुदा है जिसका मका नहीं जनाब आला मेरे नबी को सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा गया जिसकी गवाही खुद कुरान ने दी आपका ज़िक्र मूसा की जबा में है ईसा की बशारत में है आप तो वो हैं कि जिसकी रहमत से उमर को फारूक आज़म बनाया अली को शेर खुदा बनाया अबू बकर को सदीक़ अकबर बनाया इमाम हुसैन को सैद शौदा बनाया और बिलाल हबशी को सैयद बनाया हुसने इखलाक का वेकर हु नुरानी हस्ती जिसकी जिंदगी सरापा ए रोशनी जनाब आला आप तो वो हैं जिसे दुनिया तकलीक वजह कायनात करार देती है जमीनों जमा तुम्हारे लिए मकीनों मका तुम्हारे लिए चुनेनो चना तुम्हारे लिए बने दो जहाँ तुम्हारे लिए नगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फरकान वही यासीन वही तहा अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा तेरी मिराज के तू अर्श से बरी तक पहुंचा मेरी मिराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा मेरी मिराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा शुक्रिया बहुत खूब माशाल्लाह मेंबर तेरा अर्शे से बरी ये मौजू हमारा आज का मारो जुफरान ने अपने फन का मुजाहरा किया तशरीफ लाती है नबीहा नूर मेंबर तेरा अर्श से शायर के नजम में मम्बर तेरा और अरश बनी के बाद या रहा आमीन का लहका मौजूद है सदर अली वक़ार यानी हुजूर का आलमीन के लिए रहमत होना ही वो सबब है जिसने आलम को लिए आपको इतना मोजुज़ व महतरम बनाया कि कलमकार को और कोरश बनी से कम कोई इसके शायन शान नहीं मिला और ऐसा क्यों ना हो कि आप वो मुम्बयनू हैं जिन्होंने अंधेर नगरी में बस्ते इंसानों को आदाब मार्च सिखाए भटकते आदम आदमजादों को अपनी रहमत से मज़हब का नूर दिया जहांदारों को आदाबी जहांगीरी सिखाए लातो मनाज जैसे कई बुतों और मुजस्मो के पुजारियों को अनवारे तौहीद से रोशनआस करवाया कलहर्स के दुनिया भर के तमाम इंसानों के लिए रहमत का बाइस बने सो ऐसी सरापाए रहमतजात को औरशे बरीहि बतौरे मेंबर जिचता है रहमत का जहूर मुलाहिजा कीजिए सदर अली वकार कभी औरतों के लिए रहमत माँ के कदमों तले जन्नत रखने की सूरत बने तो कभी बेटी को वालदे और जहन्नम के आग के दरमियान पर्दा करार दिया रकीबों के लिए रहमत बने फ़तेह मक्का के मौके पर सहाबा के इसरार के बावजूद आम माफी का ऐलान किया So, जब शफकत और रहमत ऐसी बुलंद मर्तबा हो तो अजमत इस मियार तक जा पहुँचती है कि अर्शे बनी को आपका मेंबर कहा जाए कि सदर अली वकार असर जदीद का माशी बहरान जिसकी जद में आज तरक्की याफ्ता ममालिक हैं डी सीओ बैंकों का दिवालिया हो चुका है महंगाई रोज़ अफजों है आम अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं तो इसका वाद हल भी सूदी निज़ाम के बजाय और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात में है सो so, जो जात आलम के लिए यूं सरापा रहमत हो उसकी ताजीम के लिए जरूरी है कि बनी को ही मेंबर करार दिया जाए क्योंकि आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं तो रोशनी में आ गई दुनिया सुते चेहरों से जंग चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शाऊरा सुबह माशाल्लाह अब तशरीफ लाते हैं नन्न मुकर्रर मुरसलीन मलिक छोटे से मुकर्रर हैं देखते हैं अपनी फन खिताबत के किस तरह से आज जौहर दिखाते हैं मौजूद उनके लिए भी यही है मिसरा मिंबर तेरा अर्शे बरी जी बेटा इल्हाम है जामा तेरा कुरान इमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी यार है मतलील आलमीन सदर अली वकार हमारे नबी का मुकाम फलक की बुलंदियों से ऊंचा अफताब और महताब की रोशनी का मजहर से तखली के कायनात इब्राहिम की दुआओं का असर है जब जमीन न थी आसमान न था तब भी अल्लाह ताला ने तुह मोहम्मद को पैदा किया और हमारे नबी को आखिरी नबी बनाकर नब का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया इसीलिए अव्वल अवल भी आखिर भी साफी बशर सैदुल ईमान का शमसो कमर भी हामिद भी महमूद भी अहमद भी मोहम्मद भी हबीब भी महबूब तिबरिया भी, भी हमारे नबी सदर आल सबसे औला वाला हमारे नबी इसीलिए हैं। है मुसा तो जलवे तूर सह न सके मुस्तफ़ा आसमान क्या होते हैं और हुसैन को देखने वालियों ने उंगलियां काट दी मुस्तफ़ा को देखने वालों ने गले कटवा दिए के, के पहाड़ भी लर गए इशारा करे तो पत्थर कलमा पड़े उंगली उठाए चांद टुकड़ा हो जाए लबे वहीं के फूल जड़े चली दर हकीकत में कुरान मजीद फुरकान हमीद और साफ़ मुस्तफ़ा कमालत मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा का मजमा ही तो है जिसमें खाली के कायनात खुद मधे मुस्तफ़ा में तो कही वमा का आलमीन तो कही यासीन वाल कुरान लकीम इन दकल मुरसलीन तो कही वरफान लक जिक्र तो कही शमसुहा कमर दुजा तो कहीं अंबिया, तो कहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा तो कहीं अहमद मुशतबा कहते हैं सदर आलोकार हमारे नबी की अज़मत देखनी हो तो सिद्दीक की सदाकत फारूक की अदालत उस्मान की सखावत, अली की सुजात, हसनेत की अताद में देखो हाँ हाँ हसनेत की अताद में देखो और जिसका जिक्र होता है ज़मीनों आसमानों में फ़रिश्तों की दुआओं में मोजिन की आज़ानों में सना हुआ जिसका पर, पर मुजाहरा है, है, किया तलफ की और लहजे की बात की जाए अशार के दुरुस्त पड़ने की बात की जाए तो मेरे ख्याल में उसमें जो पहले मुकदस है उनने काफ़ी गलतियाँ की हैं जमीन जमां वालों में भी गलती और वही ला के वो शेर भी उन्होंने जो है वो आगे उसमें एक इजाफत बे मौख़ा इजाफत कर दी तो इस एतबार से जाहिर है कि अब जब कंपटीशन इतना टफ़ हो जाता तो है तो फिर इन चीज़ों को फिर जो है बारीक बीरी से देखा जाता है क्या है क्या नहीं है नहीं। तो कॉन्टेंट तीनों का अच्छा था छोटे साहबजादों ने जो है वो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दी स्पीड पे कंट्रोल करें तो इन ये मेरी पैशन को इन बहुत आगे जाएंगे ये क्योंकि याददाश्त अच्छी है हाफजा मज़बूत है इनका तो इस पे किया अच्छा जो दरमियान में जो बच्ची आई थी उन्होंने माशाल्लाह अपने लहजे पे भी कंट्रोल रखा चीज़ों को बेहतर किया और वो आखिर तक बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ों को लेके गए अगर अगरचे लफ्ज़ी अल्लाह एकाध हैं लेकिन वो स्पीड के अतबार से भी लहजे के अतबार से और फिर तीनों चीज़ों में एक चीज़ मैंने देखी तीनों बच्चों में कि एक्सप्रेशन क्या है उनके हाँ। यानी सिर्फ ज़बान बोल रही है या चेहरा लहजा अंदाज और अतवार हाँ। भी बोल रहे हैं तो उस अतबार से मेरी नज़र में जो दूसरी बच्ची है उसको आगे जाना चाहिए जी मद अच्छा मेरे हिसाब से नबीहा और मुरसलीन जो है इन दोनों में कंपटीशन टफ था तो मैं तो इन दोनों के दरमियान कोई फैसला नहीं कर पा रहा नहीं कर पा रहा जी डॉक्टर साहब आप क्या आ, कहते हैं माशाल्लाह पहले बताएं कि तीनों ये मुकाबला ऐसे ये तीनों मुकाबला ऐसे कैसा था था अच्छा माशाल्लाह तीनों बच्चों ने बहुत खूबसूरत गुफग की बहुत अच्छी तकरीर की कॉन्टेंट भी अच्छा था और यही वजह है कि तीनों के दरमियान फैसला करना बहुत मुश्किल है लेकिन मारूफ ने जो है वो कुछ ज्यादा गलतियां कर दी तलफ़ की तो वो तो जरा पीछे हो गई बाकी दो में रह गया मुकाबला तो दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं आ, लेकिन अगर कंपेयर करना पड़े एक नंबरिंग करना पड़े तो मेरे हिसाब से जो है वो सेकंड नंबर पर नबी हा नबी हा जी उनको जो है तरजीह दी जा सकती है ठीक है बहुत शुक्रिया तो हमारे जजेस की जो राय है उसकी रोशनी में तो हम नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री कर सकते हैं लेकिन ये सरकार दो आलम सलील वसम की तारीफ़ और तोसीफ़ उनकी सना आपने बयान की है सादत तो आपको मिल गई और अभी आप अच्छा। बहुत छोटे हैं इन आगे जाएंगे तो इस पर दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है कि आज पहला नंबर नहीं आया दूसरा आया है दूसरा नहीं आया तीसरा आया आप तीनों ने बहुत ही अच्छा मुकाबला किया और हमारे देखने सुनने वाले हम सब बहुत ही महजूज़ भी हुए और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे कौम के बच्चे इस खूबसूरत अंदाज़ से सरत मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं लेकिन चूँकि दुनियावी एतबार से ग्रेड्स देने हैं कामयाब कौन करार पाया इसका ऐलान करना है तो नबी हा नूर आप कामयाब करार पाई हैं और आप तीनों के लिए गिफ्ट हम्पर्स हैं कराउन फूड्स के वन एप्पल के कराची इंस्टीट्यूट ऑफ फ्री डायलिसिस सेंटर की जानब से बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए मंदाजन प्रोग्राम जारी है रहमत आमीन मौजू है सरकार सल वसम के साहबा कराम और इसी मौजू पे गुफ्तगु हमारी जारी रहेगी आपसे मुलाकात होती है मुख्तर से वक्फ़े के बाद शामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है माहिरबी अव्वल की खसूसी नशरियात जो पी टी वी से देख रहे हैं सेगमेंट हमारा प्रोग्राम हमारा मौजू हमारा आज का सरकार दो आलम सल्ला वसल्म की सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा कराम से महब्बत का जज्बा उनकी तरबियत किस तरह आपने फरमाई और सहबा कराम ने क्या क्या, 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 क्या कुर्बानियाँ दी ये हमारा आज का मौजू है अच्छा मुफ्ती साहब कलमात आखिर में ज़रा ये बताइए कि इतनी सख्तियाँ जो सहबा कराम ने बर्दाश्त की हैं आज के दौर में दीन के लिए एक तो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग और अगर नहीं कर सकते तो रुख्सत क्या है और तरीक़ा जिस पर हम अमल करना चाहते हैं इस दौर में तो फिर बेहतरीन तरीक़ा क्या है बिस्मिल देखिए सहाब करामवान के सामने नबी पाक अली सात वसलम की ताी ग्रामी थी उन्होंने हदू सल तसलम का वो वक्त भी देखा कि जब शोब अभी तालिब के अंदर नबी पाक अली पाकली सा को तीन साल मासूर रखा गया और सोशल बैकआउट किया गया ज़ाहिर है कि वो पहलू भी उनके सामने था इसी तरीके से हदूर अक्रम सल्ल वालसलम का सफ़र ताइफ़ भी साहब इकराम आलि मरिदवान के सामने था इसी तरीके से हदूर साल वसलम की नमाज़ की हालत में कुफ़ार का आप पर म वितम करना ये भी सब सामने था तो वो ये देख रहे थे कि फ़कत ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज़ का हुक्म फ़रमा रहे कुर्बानी देने का और वो तकलीफ़ और परेशानी हमें पहुंच रही है लेकिन उदूर सल्लही वसल्लम अपने घर में सुकून से आराम है यानी जो परेशानियां साहब कराम मरदवान को लाइक थी उनसे ज़्यादा हदू सल तसलम के लिए परेशानियाँ थी ये नहीं था मामला कि लीडर जो है वो सुकून से बैठा रहे और कारकुनान जो है वो परेशानियों का शिकार होते रहे तो ऐसा नहीं किया कि लीडरशिप की अली मिसाल ये है कि हर मैदान में हर मामले में मेरे प्यारे आक़ सात वसलाम सबक राम अली मुरदवान के साथ तशीफ़ फरमा है आप देखिए ना कि अहद का मामला कितना सख्त मामला था क्या उदू सल तसलम वहाँ से मैदान छोड़ के चले गए नहीं हदू डट के खड़े रहे और एक मौका ऐसा है जंग के मौके पर कि जब आवाज़ लगा है मोहम्मद फरमाया कि अन नबी का जिब अन् इबन अब्दुलमिब अब्दु और मैं मैं आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़े जब उधर आगे बढ़े साथ के साथ चल पड़े तो उन्होंने ये पाक साथ तो असलाम का और खालिश इतारा का बता लगी तो अब जब ये सारी बातें उन्होंने देखी तो उनको अंदाजा यह हुआ कि फ़कत ज़बानी नोक से ये बात नहीं की जा रही बल्कि आमली तफसीर और आमली तस्वीर रिसाल तबाब सल्ला तल वसलम के हमारे सामने जब उन्होंने हजूर को देखा अब उनके हौसले भी बुलंद हुए कि अब वाँ। जब हमारे आकाल सात वसलम ये सब कर रहे हैं यानी शोब अबी तालब के अंदर अगर हजू सल्ला वसम तशीफ़ फरमाए हजरत खदिया तशीफ़ फरमाए सबा के नाम तशीफ़ फरमाए तो हजू सल्ला खदीजा मिसले माँ बाप के इक्वल तमाम सहाब कराम का ख्याल रख रहे हैं उनका अंदाज़ा हो गया कि ऐसे हमारे आका ऐसे हमारे सरदार हमारे ऐसे लीडर है, हमारे हैं हमारे ऐसे नबी हैं सल्लल्लाहु सलि वाली, वाली वसलाम और फिर हर मौके पे ये नहीं है कि उदू सल्ला ताली वाली, वाली वसल साहबों का कि तुम ये काम करो मैं नहीं कर रहा जिस तरीके से अभी जिक्र किया गया कि एक छोटा काम है मस्जिद की तमीर का यानी सबक्राम पत्थर उठा के लेकर आ रहे हैं उदूर फरमाए तुम ये काम करो तुम ये तुम ये तुम ये नहीं उधर ख़ुद शामिल है उनके साथ वो मिसाल एक बड़ी प्यारी दी जाती है कि एक गजबे के मौके पे जब खाना पकाने का अहतमाम हुआ जिम्मेदारी तकसीम की गई तो ऊधु ने फरमाया कि मैं लकड़ियाँ लेकर के आता हूँ तो तुम खाने के इंतजाम करो उन्होंने साहबा ने कहा यारसुना नहीं फरमाया कि नहीं जो काम अब तुम्हारे ज़िम्मे है मैं भी वो काम करूँगा सबा एक सबी हदूर के साथ ऊधो ने मिसवाक के लिए लकड़ियाँ तोड़ी जो सीधी लकड़ी थी वो अपने सबी को दी जो ख़मदार थी अपने लिए रख ली तो फरमाया कि हर हक़दार के लिए उसका हक़ है और हर सोहबत वाला जिसके साथ बातचीत की जाएगी रहा जाएगा उसको उसके बारे में बताया जाएगा जवाब दिया जाएगा तो जब ये तालीम देख रहे हैं कि कौल और फेल का तजाद नजर नहीं आ रहा इसीलिए आप देखिए साहब कर अपनी कमिटमेंट के साथ पूरे हैं। हाँ। क्योंकि हजू ताला तीन वाली वसना अपने कमिटमेंट के साथ पूरे हैं तो जब हजूर ने कोई कमिटमेंट की कोई सहाब के नाम से मामला फरमाया उसको बिल्कुल कमिटमेंट को पूरा किया सहाब के नाम ने कहा कि वाकई अल्लाह के रसूल ऐसा कर रहे हैं हमें भी ऐसा करना चाहिए इसीलिए आप ये देखिए अल्लाह के दिन क्यामत तक रहने वाला है हज़ूर की ज़ात की जो तालीम कयामत तक रहने वाली हैं तो उन तालीमत को पहुँचाने वाले कौन है हमें सहाबे के राम अलग हम अगर सहाबा का किरदार आप माइनस कर दीजिए दरमियान से अल्लाह का दिन बाकी नहीं बचेगा हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि नबी पाक अली साम की दो चीज़ें वाबस्ता एक हैं सहाब कराम एक हैं बैत अथार ये दोनों वह हस्तियां हैं वाँ कि वाँ जो हमारे ईमान को कामलीत और तकवियत अदा करती हैं इसीलिए साहब कराम से भी दीन लिया जाएगा बैत अथार से भी दीन लिया जाएगा और ये दोनों प्यारे मुस्तफ़ा का गोया के हाथ हैं हजूर के हाथ हैं तो जो जब ये हुदूर के साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हैं हम और या मास सादिकीन। के साथ होने का रास्ता, रास्ता, बैत का रास्ता है। क्या और यही रास्ता मोहम्मद अच्छा मदर साहब ये बताइए कि सहाबा कराम ने आप सल्लाम के विशाल के बाद भी दीन की खिदमत उसी तरह से की जैसे ज़ाहिर हयात मुस्तफ़ा में फरमाते थे उस पर ज़रा हमारे नाजरन को बताइए कि ये जो बका दीन की बका के लिए जुनेबानियाँ दी सरकार के ज़ाहिर विसाल के बाद उस पर क्या कहेंगे बसमिल्लर रही यकीन नबी करीम सलातम ने जिस अंदाज़ से साहब कराम की तरबियत की तो सरकारें तो जहाँ सलील वा नेहबा को पहले ही ये तरबियत अता फ़रमा दी थी कि जो अम्बियाँ दुनिया में जलवा अफरोज़ होते हैं ये दायनी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहने के लिए इस दुनिया में नहीं आते बल्कि इन अंबिया ने भी इस दुनिया से रुखसत होना है जैसा कि बशरी तक है तो जब ये तालीम अदा कर दी गई तो सरकार अली सलात सहाबा को वो जज्बा भी साथ अता किया था कि दीन की जिम्मेदारी नबी करीम सलातूल के बाद सहाबा पर आनी है आप देखेंगे सरकार अली अलातूल ने अर्शाद फरमाया कि बल्ले को आँने वाला वो आया मेरी तरफ से अगर एक आयत भी हो ना तो वो दूसरों तक पहुँचा दो तो अब यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा है कि सरकार अली ने खुद की तरबियत उनको जिम्मेदारी दी फिर जब ये जिम्मेदारी तक आई तो साहब कराम ने उसी जज्बे के साथ जिम्मेदारी को पूरा किया आप देखेंगे कि जैसे ही सरकार अली सलातुलाम का विशाल होता है तो सिद्दीक अकबर अबील तुके दौर में मुसलमा कजाब का फितना था उसने सरकार सलातुम की जो नबूवत है उसकी जो खात्मियत है खात्म, सरकार सलातम को जो दर्जा है खात्मियत नबूवत का उसका इनकार किया और अपने नबी होने का दावा किया हाँ। अगरचि वो पहले से ये दावा करने के लिए तैयार था आमादा था लेकिन खुलकर उसने बाद में सरकार सलातूलम के विसाल के बाद ऐलान किया तो सिद्दीक अकबरदी अल्लाह तुमने उसको जो है वो जदोकोक किया उसके खिलाफ जंग की जिहाद किया और वो उस जिहाद को इतनी इम्पोर्टेंस देकर हमें ये बात बता दी कि ये अकीदा क्यामत तक के लिए इसी तरह से इसका हाँ, है और उस दौर के अंदर सरकार के बाद सिद्दीक अकबर के दौर में वैसे ये कानून था कि जो बदरी साहबा हैं वो जिहाद में शिरकत ना करें लेकिन इस जिहाद के अंदर बदरी साहबा ने भी शिरकत की थी और इस जिहाद के अंदर सात सौ साहब कराम की शहादत भी हुई तो ये जो जज्बा एक अंदर था ना साहब कराम के हमने ये जिहाद करना है फिर मुनक्रीन जकवात को हम देखते हैं फिर इसके बाद जब इस, हफाज कराम की शहादत हुई तो सबसे बड़ा मामला था दीन की हिफाजत के लिए क़ुरान को जमा करने का तो सिद्दीक अकबर रदी तन ने कुरान को जमा फरमाया हजरत उमर रदी अल्लाह तुम की राय के बाद फिर आप हजरत उमर रदी अल्लाह तुन के दौर को देखें तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तन के दौर में चूंकि इतनी जंगों की जरूरत पेश नहीं आई ऐसे कवानीन बना दिए गए कि आज भी उमर लॉ के नाम से बहुत सारे मकाम पर ये कवानी नाफिज होते हैं और इसमें क्रेडिट जो जाता है सहीदना फारूक आजम रदी तुन को जाता है फिर हादते हैं सहीदनास्मान गनी रदी अल्लाह तुन के दौर में उसमें एक मरतबा फिर जब हम ये देखते हैं कि कुरान के अंदर इख्तलाफ हुआ तो सहाब कराम ने उस कुरान को जमा करने के लिए वापस कोशिश की फिर इसी तरह से हजरत अली रदी अल्लाह के दौर का मामला आता है आपने भी दीन की इसी अंदाज़ से खदमत की तो ये जो साहब कराम ने खिदमत दीन का जज्बा हासिल किया था और उसको हम तक पहुँचाने के लिए सहाब कराम ने जो कोशिश की तरबियत मुतफ़ा का नतीजा था और साहब कराम ने इस तरबियत को कामिल तौर पर कबूल करके दीन को आगे पहुँचाया बहुत खूब अच्छा डॉक्टर साहब अब कल आखिर में हमारे देखने वालों को जो नाजरीन हमारे मज़ज़ उनको बताइए कि सहबा कराम की ज़िंदगी से हम क्या कुछ सीख सकते हैं बिसमीम सबसे अहम बात जो हमारे सीखने के लिए है वो ये कि हम देखें कि हुब रसूल सल्हु वसम के अमली तकाज़े क्या हैं और साहबा कराम अलिमरिदवान ने उन तकाज़ों को किस तरह से पूरा किया वाह कि कुरान करीम के साथ जो ताल्लक़ साहबा कराम ने जिस तरह अपना जोड़ा इतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह अमली शक्ल हमारे सामने पेश की एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ मिसाल छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है हजरत उमिनत ज़ैनबिनतजहाश रदीहा जो है उनके भाई का इंतकाल हो जाता है तीन दिन बाद हज़रत ज़ैनब खुशबू मंगवाती हैं और उसको इस्तेमाल करती हैं अच्छा लोगों ने पूछा कि आपने बतौर ख़ास खुशबू मंगवा मंगवा के क्यों इस्तेमाल किए तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है

आपकी जात से जिस तरह मोहब्बत की, की। जिस बात को अल्लाह के रसूल ने इशात फरमा दिया उनकी हर मुमकिन कोशिश रही कि उस पर सबसे पहले अमल करें, सबसे अमल करें कुरान करीम की आयत नाजिल होती है लन तनाल कि तुम उस वक्त तक नेगी को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो हजरत है मशहूर साहबी हैं मालदार साहबा में आपका शुमार होता है वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसम अल्लाह ताला ने आप पर इस आयत को नाजिल किया है और मुझे अपने माल में सबसे ज़्यादा बेरहा हा एक कुआँ था जिससे आज सल्ला वम खुद पानी नोश फरमाया करते थे उन्होंने कहा मुझे अपने माल में सबसे ज़्यादा ये कुआँ पसंद है और मैं इसे अल्लाह की राह में नज़र करता हूँ क्या यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्म उनकी तारीफ़ फरमाते हैं और फिर उनकी तवज्जो दिलाते हैं कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे जो चचाज़ाद भाई हैं वो जरूरतमंद है तो मुझे इसे उनमें तकसीम कर दो अच्छा। तो वो कहते कि यार मैंने इसे तकसीम कर दिया तो का ये मामला है किसम कि के फरमान पर अपनी जान कुर्बान कर दिया करते थे अपने माल कुर्बान कर दिया करते थे वहाँ ये सोचा नहीं करते थे वाँ वाँ। कि इसका नतीजा क्या होगा और यही वो चीज़ है जो हमें हुब रसूल के दावे के साथ सोचने समझने और हासिल करने की ज़रूरत है ताकि हम उसके अमली तकाजों को पूरा कर सकें <दिण> बहुत खूब आप तीनों मौज़ मे ने ग्रामी का कराम का शुक्रिया हमारे शनाख़ा एरशाद कुर्शी साहब आपका भी शुक्रिया आप तशीफ लाए मदर नाजिन प्रोग्राम का अख्ताम तो कलाम पर होगा लेकिन आज के इस मौजूद यानी आपल्म के साहबा कराम रद्दाला मजमीन जी हमारा आज का मौजूद था।, था इसका सेंट्रल आइडिया आज की गुफगार जो कराम ने फरमाई वो ये है कि हम अजमत किरदार साहबा रदी अल्लाह तहों की जिस हकीक़त का इदराक कर सकते हैं वो यही है कि ये सहबा कराम वो मुबारक हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने महबूब की मदद व नुसरत के लिए चुन लिया था और कोई कितनी भी इबादत और रियाजत कर ले आज सारी सारी रात कुरान पढ़ता रहे कई कई सालों तक वो वली तो बन सकता है सहाबी नहीं बन सकता क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने सहाबी बनना बनना था जिन्होंने सहाबी रसूल का दर्जा पाना था वह बन चुके हैं इस सहबा कराम की ज़िंदगी को देखें आज जो दीन हम तक पहुँचा कुरान हम तक पहुँचा अदीस हम तक पहुँची ये सब सहबा कराम का ही फैज़ है और उनका ही काम है और साहबा कराम सरकार सल्लम पर अपनी जान और माल किस तरह से कुर्बान करते थे इसका अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि जब हजरत मदीना का मामला था तो सरकार सल्ला वसलम उस आलम में जबकि आपकी जान के या कुारान के दुश्मन थे आपके साथ अगर कोई था तो सैद न सिद्दी अकबर थे अगर आपके बिस्तर पर कोई था तो वो थे इतने मुश्किल हालात में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहे अतात अमीर का ये आलम था कि जब हम सुनते हैं कि सहबा कराम हजर पनूर सल्ला वसम की ज़बान से लफ्स के निकलने की देर होती और उस काम को पूरा कर लेते थे ये भी सबसे ज़्यादा अहम है कि सरकार सल्ला वसम ने अपने सहबा कराम में वैसे तो सबको जन्नत ही कहा लेकिन अशर मुबशर की सूरत में ऐलान करके नाम लेकर कहा कि उमर तुम जन्नत में जाओगे अबू बकर तुम जन्नत में जाओगे अली तुम जन्नत में जाओगे उस्मान तुम जन्नत में जाओगे इस तरह से लेकिन तारीख़ की किताबों में लिखा है कि हज़रत उमर खौफ खुदा से ऐसे रोया करते थे जन्नती होने की बशारत सरकार तो वसलम ने दे दी है लेकिन अल्लाह के खौफ से इतना रोया करते थे कि तारे की किताबों में लिखा है कि उनके रुखसार पर निशान पड़ गए थे ये है कमाल ये है अमल ये है किरदार और ये है जानो माल कुरबान करने का आज़म अल्लाह ताली हमको भी साहब कराम जैसी ज़िंदगी जो है वह गुजारने की तोफ़ी कतः फरमाए अपने मेज़बान शब्बी अब तारिक को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ कलाम से होगा अख्तितम

वो क्या है जो हमने पाया नहीं आंद में उनकी पर के और दिल पर गे मंग